अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? आप सबको बहुत बहुत आज चांद रात मुबारक हो। आज पाकिस्तान में चांद नज़र आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और सुबह इंशाल्लाह 24 मई को इंशाल्लाह पाकिस्तान में ईद है। इंडिया, बांग्लादेश और यहाँ पे श्रीलंका, मेरे ख्याल से भी वहाँ पे भी चांद नज़र तो नहीं आया। वहाँ पे ईद 25 को होगी, सोमवार को, और पाकिस्तान में ईद इंशाल्लाह इतवार वाले दिन है। आज हफ्ता है और कल इतवार होगी इंशाल्लाह। तो जी, अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। कल सुबह इंशाल्लाह ईद है, और इस वक्त मेरे पीछे आप शोर शराबा भी सुन रहे हैं रोड पे, और लोगों ने एहतियात बिल्कुल नहीं की कोरोना के हवाले से, और ऐसी की तैसी फेर दी है, ऐसी की तैसी फेर के वो बाज़ारों में घुसे हैं लोग। तो बहरहाल जी, अपना सब ख्याल रखें और एहतियात करें कोरोना के हवाले से भी। सुबह मस्जिद मास्क पढ़ने के लिए जाएँ तो मास्क और ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा, ताकि आप अपने आप को और दूसरों को भी महफूज रखें। दूसरा ये कि जाय नमाज भी घर से लेके जाइएगा, और जाय नमाज जब घर लेकर आएँ तो उसको धोने के लिए रख दीजिएगा, और अपने आप को सैनिटाइज़ कीजिएगा, और शावर के अंदर डाल के डिटॉल अपने बॉडी पर पूरा छिड़क लीजिएगा, ताकि आपको आप महफूज रहें और दूसरे भी महफूज रहें आपसे। तो जी, आप सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल करे, और जो फौत हो चुके हैं इस पूरे हादसात के दौरान, इस कोरोना वायरस की वजह से या प्लेन क्रैश की वजह से, जो कराची में प्लेन क्रैश हुआ, तो अल्लाह ताला उन सबको जन्नत फिरदौस में जगह दे। अल्लाह ताला उन सब के घर वालों को सब्र जमील अता करे, और अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करें जो फौत हो चुके हैं, और अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। आमीन। ले जी, इंशाल्लाह कल फिर किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी ईद वाले दिन, और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।